जैसा कि आपको विदित है कि 12-13 की रात को नवंबर महीने की रात में नगोटा बगवा में एक रात को एक हार्डवेयर की दुकान जो है वो जलकर राख हो गई थी। इससे पहले भी इस दुकान में एक घटना 7-8 अक्टूबर की रात को हुई थी। उस समय दुकान आधी जली थी, आधी बच गई थी, इस बार जो है पूरी जल करके राख हो गई थी। तो ये इसके जो मालिक हैं श्री दर्शन लाल, ये वार्ड नंबर 5 नगोटा भगवान के, इनकी अनुपम हार्डवेयर के नाम से दुकान थी, तो जिस पे आग लगी थी। इसके आग लगने के पश्चात मैंने स्वयं भी मौका वहाँ पे किया था और हमने एक SIT का गठन किया था और साथ में हमने जो साइबर एक्सपर्ट्स जो हमारे अपने हैं और हमारे यहाँ पे जिला कांगड़ा में जो और भी हमारे प्राइवेट हैं उनको भी हमने हायर किया साथ में, उन सभी की सहायता से और जो परिवार के सदस्य हैं और जो नगोटा बगुओं की जनता है उन सब के सहयोग से मैंने एक अपील की थी कि आप हमें सहयोग दें, हमें थोड़ा सा आप विश्वास रखें, हम इस केस को वर्कआउट करेंगे। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज जिला कांगड़ा नगोटा पुलिस स्टेशन में जो हमारी SIT की टीम है उन्होंने एक लड़के को हमने जो आइडेंटिफाई किया है उसे हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसने कबूल भी कर लिया है कि दोनों इंसिडेंट में उस लड़के ने जो है वो इसमें जो है उसमें आग लगाई है। और ये लड़का जो है इसका जो नाम है वो ये अपना जो गांव है कालीजन गांव का रहने वाला लड़का है 21 साल का और ये उस दुकान में पहले काम करता था। पिछली बार की घटना के पश्चात इसने अपनी दुकान से जो है वो नौकरी छोड़ दी थी और नगोटा बगवा में ही कहीं किसी और दुकान में ढाबे में जो है वो काम करना इसने शुरू किया था। तो उसके पश्चात उस दिन रात को भी जिस दिन आग लगी इसकी लोकेशन वहाँ पे पाई गई है, हमने हर एक प्रकार का डाटा एनालिसिस किया है, वीडियो कैमरे का हमने फुटेज हमें मिला है, सस्पेक्ट का फुटेज मिला है, तो सस्पेक्ट का फुटेज से भी इसका मैच करता है, इसके हुलिया मैच करता है, इसकी लोकेशन मैच करती है, जिसके बेस पे हमने आइडेंटिफाई करने के पश्चात आज सवेरे इसको पूछताछ के लिए जो है थाना में लाया गया था और जहाँ पर इसने घटना के बारे में जो बातें बताई उससे ये प्रतीत होता है कि ये मुख्य तरह से ये इस घटना का आरोपी है। तो इस तरह से इस घटना का जो पर्दाफाश हुआ है और ये आरोपी गिरफ्तार किए, अभी जाँच प्रारंभिक स्तर में है क्योंकि आरोपी भी आज हमने अभी पूछताछ शुरू की है और इसमें और भी कोई अन्य पहलू होंगे, कुछ भी होगा आगे, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका मोटिव था और उन सारी बातों की हम जो है इसमें अन्वेषण में शामिल करेंगे और आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी आज इसको गिरफ्तार करके कल इसको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से इसका फर्दर जो है पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इस टीम की जो हमारे SIT बनी थी, पुनीत रघु हमारे DSSP हैं और डिप्टी SP कांगड़ा सुनील राणा जी और SHO हैं अशोक राणा, ये इनके साथ हमारी एक टीम थी और साइबर की भी हमारी जो थाना अपने जिला कांगड़ा की टीम थी वो मिलकर के काम कर रहे थे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस अन्वेषण में परिवार के सदस्यों का और उनके सहयोगियों का और नगोटा वासियों का भी काफ़ी योगदान रहा है। अगर हम जनता जागरूक रहे तो इस प्रकार बड़े से बड़े अपराध को हम पकड़ने में रोकने में जो है वो सफल हो सकते हैं। मेरा यही विनती रहेगा कि पुलिस केस को जनता जो है इसी प्रकार सहयोग देते रहे तो हम और भी अच्छा काम आगे जो है वो करेंगे और इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। आरोपी का नाम क्या है और अभी तक जैसे कबूल किया है तो कोई कारण तो बताएं? अभी इस आरोपी का जो नाम है वैसे तो अभिषेक है उर्फ मिट्टू, मिट्टू इसको प्यार से मिट्टू बोलते हैं और प्रारंभिक पूछताछ में तो उसने ये बताया कि वो वहाँ काम करता था, पैसा पूरा मिलता था, कोई परेशानी नहीं थी, बस कहते हैं खड़े खड़े काम करता था और कई बार डांटते भी, छोटा मोटा डांट जैसे होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे ही मेरे को मैंने जो है वो करके ये आग लगाई है। लेकिन अभी हम और भी डिटेल में करेंगे कि कोई और इसमें कोई और कोई कारण ना हो तो पूरी जांच की जाएगी और उसके पश्चात अपडेट किया जाएगा आपको। पढ़ रहने वाले कहाँ के हैं सर?
अभियोगी कालीजन ये उधर अपना समरोटी के पास ही जो आपका बड़ों की तरफ को जाता है रोड, वहाँ वहाँ का रहने वाला है। 5-6 किलोमीटर है नगोटा भगवान से, आई थिंक 6 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ये पहले वहीं काम करता था, 3-3.5 महीने उसने वहीं काम किया, 3 महीने सैलरी भी लिया उसने। पिछली बार जब आग लगी थी 7-8 अक्टूबर को, उसके पश्चात जो है ये छोड़ के चला गया था उनको, और घर वालों ने भी कभी शक नहीं किया उसके ऊपर। पिछली बार भी शायद पूछताछ में उसका जब नाम लिया जा रहा था पूछताछ के लिए, जब हमारे आईओ ने, तो इन्होंने ये कहा था कि नहीं नहीं ये तो श्री पटका, इसको तो मत आप पूछिए, और वो रह गया। सीसीटीवी कैमरे इस तरह से, हाँ हमारे, हमने नगोटा भगुआ में जो है वो जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे आसपास के सभी को खंगालने के पश्चात कुछ एक हमें क्लूज मिले हैं, और उसकी उसके वजह से ये आइडेंटिफाई भी हुआ है और टाइमिंग भी इसकी मैच कर रही है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो सीसीटीवी कैमरेज हम लगाते हैं अपने मकानों में दुकानों में, सरकार ने जो लगाए हैं वो तो हैं, आप अपने अपने घरों के बाहर, बैंक्स में, होटल में, होटल के बाहर, हम जनता से हमेशा प्रार्थना करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना पॉसिबल हो अपने कैमरे लगाए अंदर भी और बाहर भी। तो उसमें क्या है कि कोई भी अपराधी जो है कोई भी अपराध करेगा तो बचेगा नहीं, वो हमारी गिरफ्त में ज़रूर आएगा। ये एक बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरे का एक कंट्रीब्यूशन रहता है आज की डेट में। इस घटना को जो अंजाम दिया इस अकेले ने दिया, इसके साथ और भी एक, हाँ अभी तक तो अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अभी पूछताछ जारी है, अभी अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम अभी लिया नहीं गया है, लेकिन हमने जो डाटा लिया है उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई घटना में कोई और इसमें कुछ पहलू निकले तो आपको शेयर करेंगे। ये नुकसान का आकलन अभी इन्होंने किया नहीं, लेकिन काफ़ी पूरी दुकान जो थी डबल मंजिल, 3 मंजिला थी बेसिकली, डबल मंजिल में उसमें पूरा हार्डवेयर था, पेंट था भरा हुआ, तो काफ़ी मतलब नुकसान करोड़ों में जो इनका नुकसान हुआ। पहले आधी दुकान जली थी, अभी इसका रिपेयर कर रहे थे, अब पूरी का पूरा जो है जला दिया है। बॉर्डर स्प्रेंड इसका ये कि इसने क्या किया, पर दुकान में जो है वो इस बार जो पीछे से पिछवाड़े से जो है एक रास्ता है वहाँ से लेंटर क्रॉस करके टंकी क्रॉस करके सबसे टॉप फ्लोर में गया, टॉप फ्लोर में पीछे की तरफ से जहाँ से एग्जिट भी किया उसने, वहाँ पे इसने जो है लीवर से उसको उठाया जो उसका शटर होता है उसमें अंदर लॉक लगा हुआ है, उसको लॉक को उसने काटा आरी से, उसके बाद वो एंटर किया। उसके बाद अंदर जा करके उसने जो तार पिन वगैरह की जो कहनी होती है उस तीर को उड़ेल करके उसने आग लगा कर फिर वहीं से बाहर वापस निकला। जब भागते हुए हमारे कैमरे में नजर आया, वो कैच भी हो गया, सामने जो गली जिस गली से बाहर को निकला सामने कैमरा लगा होटल का जिसमें कि आया है, इसकी पिक्चर भी आई। सर इस जो उसको लड़के को पकड़ा इसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड? कुछ भी नहीं बैकग्राउंड, इसका फादर भी कहीं बेचारा आईपीएच विभाग में कहीं काम करता है, और दुकान में नौकरी करने वाले का बैकग्राउंड क्या हो सकता है, जस्ट मेंशन एक